नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो यदि हम अगले 5 दिनों के मौसम की हाइलाइट्स की बात करें तो अगले 5 दिनों में 3 तरह के प्रमुख मौसम हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मौसम जिसकी यदि हम बात करें तो जो अभी हेलस्टॉर्म एक्टिविटी, जो अभी ओलावृष्टि की गतिविधि मध्य भारत पर चल रही थी, उसके अभी अगले 2 दिनों तक चलते रहने की संभावना है मध्य प्रदेश और उससे संलग्न छत्तीसगढ़ और विदर्भ के क्षेत्र पर। और इसके पश्चात जो हीट वेव कंडीशन जो खास करके प्रायद्वीपीय भारत पर मिल रही थी वो प्रायः समाप्त हो चुकी है और अब पुनः हीट वेव कंडीशन के आने की संभावना नहीं है। हालांकि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर अर्थात गर्म और आर्द्र मौसम की गतिविधि अगले 3 दिनों तक प्रायद्वीपीय भारत पर अभी जारी रहेगी। और इसके पश्चात हम आते हैं एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जो कि 12 तारीख से पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित करने वाला है। इसके कारण हमें फेयरली वाइड स्प्रेड हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा पश्चिमोत्तर भारत के मिलेगी और साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और इसके साथ भारी वर्षा और बर्फबारी भी हिमालयी क्षेत्र पर होने की संभावना रहेगी। तो यदि हम शुरुआत करें ऑब्जर्व्ड वेदर से तो पिछले 24 घंटे के दौरान हमें हेलस्टॉर्म एक्टिविटी ओलावृष्टि हमें प्राप्त हुई पश्चिमी मध्य प्रदेश के 3 स्थानों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश के 7 स्थानों पर और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना के 1 से 2 स्थानों पर। और साथ ही साथ हमें हीट वेव कंडीशंस जो हमें प्राप्त हुई वो केवल 3 स्थानों पर आंतरिक तमिलनाडु के प्राप्त हुई है और इसके अलावा बाकी जो प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से वहां से हीट वेव कंडीशंस समाप्त हो चुकी है। हीट वेव कंडीशंस वो स्थिति है जिसमें अधिकतम तापमान अपने दीर्घकालिक औसत से लगभग 4.5 डिग्री या उससे अधिक जब चले जाते हैं तब उसको हम हीट वेव कंडीशंस कहते हैं। और ये जो अधिकतम तापमानों में ये गिरावट है, ये गिरावट दर्ज की गई जो ओलावृष्टि यहां पर मध्य भारत में हुई और साथ ही साथ हमें यहां पर बंगाल की खाड़ी से हमें यहां पर हवाएं आती हुई, दक्षिणी हवाएं हमें निम्न क्षोभ मंडल में प्राप्त हुई जिनके कारण ये तापमान हमारे यहाँ पर गिर गए। यहाँ तक कि तटीय आंध्र प्रदेश के एक स्टेशन कवाली पर जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई कल सायंकाल तक अधिकतम तापमान में वो लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास थी। तो अब यदि हम यहाँ पर और इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से तापमान इस हेलस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से कम हुए और इनका विचलन हम देख सकते हैं कि काफी यहाँ पर फॉल इसके डिपार्चर में हम देख सकते हैं। दीर्घकालिक औसत से ये जो विचलन है ये लगभग 3 से 5 डिग्री और कहीं कहीं पर ये 5 से 7 डिग्री तक भी तापमानों में यहाँ पर हम डिपार्चर नेगेटिव डिपार्चर अर्थात नकारात्मक विचलन हम देख सकते हैं। तो इसने काफी राहत की स्थिति पैदा प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत पर इस एक्टिविटी ने और आगे भी इस तरह की स्थिति जारी रहने की उम्मीद हम कर रहे हैं। हालांकि अभी आज भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1 से 2 स्थानों पर सौराष्ट्र और कच्छ के अगले 3 दिनों के लिए और 1 स्थान पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के आज के लिए हीट वेव कंडीशंस की चेतावनी जारी की है। हालांकि इस चेतावनी के, इस हीट वेव कंडीशंस के रियलाइज होने की, इसके दृष्टिगोचर होने की काफी कम संभावनाएं हैं। फिर यदि हम आते हैं अपने मध्य भारत की जो वेदर एक्टिविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं तो आज भी हमारी जो निम्न मंडल की जो हमारी विंड डिसकंटिन्यूटी थी वो आज भी हमारी दक्षिणी तमिलनाडु से लेकर उत्तरी गुजरात तक जा रही है जो कि कल ये पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ थी, आज ये यहां पर गुजरात की तरफ जा रही है। और साथ ही साथ हमें मध्य राजस्थान पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, चक्रीय परिसंचरण भी है और इसके साथ ही साथ ये जो विंड डिसकंटिन्यूटी ये कल की अपेक्षा आज काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ हमें यहां पर चक्रवात एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी हमें दिखाई दे रहा है उड़ीसा के ऊपर और जिसके कारण हमें बंगाल की खाड़ी से यहां पर आर्द्र हवाएं आती हुई मध्य भारत पर हमें दिखाई दे रही हैं। तो इन सभी वायुमंडलीय स्थितियों के मद्देनजर अगले 2 से 3 दिनों तक हम मध्य भारत पर हेलस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश पर हमें अगले 3 दिनों तक हेलस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना है जिसमें कि हमें 9 और 10 तारीख को इसको हमने ऑरेंज कलर दिया है और 11 तारीख को इसको हमने अभी येलो कलर में रखा है। यहाँ पर ओलावृष्टि की संभावना रहेगी और यहाँ पर हमें विदर्भ और छत्तीसगढ़ पर आज ओलावृष्टि की संभावना 1-2 स्थानों पर रहेगी और विदर्भ पर कल भी रहेगी। और फिर उसके पश्चात 11 तारीख के उपरांत यहाँ पर हेलस्टॉर्म एक्टिविटी में हमें काफी गिरावट
देखने को हिल स्टॉर्म एक्टिविटी के समाप्त होने की संभावना रहेगी। हालांकि थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यदि हम देखें तो अब अगले आने वाले एक सप्ताह तक लगभग पूरे ही मध्य भारत और पश्चिमोत्तर भारत पर हल्की तीव्रता की थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी चलती रहेगी। और पश्चिमोत्तर भारत पर यदि हम बात करें तो 12 तारीख से जो हमारा एक पश्चिम विक्षोभ जो कि आज भूमध्य सागर के ऊपर एक चक्रीय परिसंचरण के रूप में उच्च क्षोभ मंडल की ऊंचाई तक स्थित है और साथ ही साथ उसमें एक ट्रफ रेखा भी है जो कि लगभग 35 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित है और उससे संलग्न बादल हम यहां पर देख सकते हैं जो कि हमें ईरान क्षेत्र पर दिखाई दे रहे हैं और ये धीरे धीरे पूर्वी दिशा में गति करेगा और फिर 13 तारीख से ये इन्फ्लुएंस करना प्रभावित करना शुरू करेगा 12 तारीख की सायंकाल से पश्चिमोत्तर भारत को और जिसके परिणाम स्वरूप जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि छिटपुट स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की वर्षा हमें 12 तारीख से दिखाई देने लग जाएगी राजस्थान पर और 13 तारीख को जैसा कि हम देख सकते हैं पूरे हिमालयी क्षेत्र पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पर हमें फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल की हल्की से मध्यम वर्षा की कई स्थानों पर मिलने की संभावना रहेगी और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर हमें हल्की से बहुत हल्की वर्षा हमें मिलने की संभावना रहेगी और इस दौरान हमें इस पूरे क्षेत्र पर जो कि यहाँ पर लाल घेरे में दर्शाया गया है इसमें हमें थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की मध्यम से लेकर के घनी तीव्रता का थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी भी हमें देखने में आ सकती है और भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार इस बात पर नजर जमाए हुए कि क्या यहाँ पर हेल स्टॉर्म एक्टिविटी होने की भी संभावना है ओलावृष्टि की भी संभावना है और हम लगातार एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स पर अपनी नजर जमाए हुए हैं और जैसे ही हमें इस बात का पुष्टिकरण होता है कि यहाँ पर हेल स्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है तो हम अपनी वार्निंग को उसी तरह से अपडेट करेंगे। और फिर यहाँ पर यदि हम ये हल्की से मध्यम वर्षा की बात हो गई और यदि हम तीव्र भारी वर्षा की बात करें तो हमें 13 और 14 तारीख को कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के स्थानों पर भारी वर्षा और उसके साथ में भारी बर्फबारी की भी उम्मीद 13 और 14 तारीख को रहेगी और इस दौरान हमें यह देखना है कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है जो 13 तारीख को उस एक्टिविटी का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है इसी के अनुसार हमें अपनी कृषि गतिविधियों को इसी के अनुसार समायोजित करना है। तो सभी इन क्षेत्रों के सभी किसान बंधुओं से हमारा निवेदन है कि पंजाब हरियाणा राजस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो हमारे भारत मौसम विज्ञान विभाग के जो क्षेत्रीय जो हमारे केंद्र हैं वहां की वेबसाइट पर जाएं गूगल पर जाएं और वहां से जाते हुए हमारे जिलावार इसकी जो वार्निंग्स हैं उस वार्निंग को पूरी तरह से अनुसरण करें। तो आज के लिए बस इतना ही कल हम फिर मिलेंगे दैनिक मौसम परिचर्चा के साथ तब तक के लिए अनुमति दीजिए नमस्कार धन्यवाद।